नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड में खड़ी बाबा सम्राट बस में पर्स और मोबाइल रखते हुए पकड़ाए विजय बस का खलासी विकास कुमार। मुफस्सिल पुलिस को किया गया सुपुर्द, जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। न्यू पुलिस लाइन में चल रहे उत्पाद पुलिस बहाली के दौर में 25 से अधिक अभ्यर्थी हुए अचेत। इलाज के लिए सभी को लाया गया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल की व्यवस्था चरमराई। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी साइकोलॉजी विषय के प्रायोगिक परीक्षा के तिथि दिन श्री आर के महिला कॉलेज में परीक्षा नहीं होने से परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। विश्वविद्यालय के खिलाफ किया आक्रोश प्रदर्शन। प्रिंसिपल ने कही संबंधित विषय के शिक्षक नहीं रहने से होती है परेशानी। गांव प्रखंड के मुख्य सड़क पर ढलान में एक बाइक का ब्रेक फेल होने से दो बाइकों में हुई भिड़ंत। चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी का सब अस्पताल में चल रहा इलाज। और जिला खेल कार्यालय द्वारा इंडोर स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का कराया गया आयोजन। बैडमिंटन और फुटबॉल प्रतियोगिता में कई आयु वर्ग के बच्चों के बीच हुए मैच। जिला के कई स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। न्यू पुलिस लाइन में चल रहे उत्पाद पुलिस बहाली की दौड़ में शुक्रवार को 25 से अधिक अभ्यर्थी अचेत होकर गिर पड़े। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से इस लचर व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। इस क्रम में पाया गया कि एक ही बेड पर 2 से 3 घायल अभ्यर्थी को सुला दिया जा रहा है और जिस तरह से अभ्यर्थी का इलाज करना चाहिए वैसा नहीं किया जा रहा है। मामले की सूचना पाकर सिविल सर्जन अस्पताल पहुंच कर निरीक्षण किया तो पाया गया कि सही में अभ्यर्थी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिया। इस बाबत अभ्यर्थी के परिजनों ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सदर अस्पताल में चरमरा गई है। पंखा नहीं रहने के कारण परेशानी हो रही है, वहीं सही से इलाज भी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि घायल में बिहार यूपी के अभ्यर्थी भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सिपाही दौड़ में प्रत्येक दिन दर्जनों अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं। इसको लेकर अलग से एम्बुलेंस सेवा बहाल की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सरकारी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को घायल युवकों के बेहतर इलाज के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन दौड़ कार्य में लगे कर्मी और पुलिस कर्मी घायल युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ला रहे हैं। साथ ही एम्बुलेंस व अन्य वाहन से स्ट्रक्चर पर उठाकर इन्हीं लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने बताया कि अचानक घायल युवकों को जो अस्पताल लाया जा रहा है इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। बताया कि पहले बेड ऊपर के तले पर लगाया गया था, लेकिन अब नीचे बरामदा आदि पर इसे शिफ्ट कर दिया गया है। घायल युवकों को स्वास्थ्य के लिए अब परेशानी नहीं होगी, बेहतर उपचार किया जाएगा। वहीं गेट पर भी कर्मी की नियुक्ति कर दी गई है ताकि घायल युवकों को बेड तक अच्छे तरीके से लाया जा सके। जब हमारा एक फ्रेंड है, ठीक है, विकास का नाम, गिर गया, पता चला हम लोग कि इस तरह से गिर गया, उसको एम्बुलेंस से लाया गया था। हम लोग देखे आकर के तो उस टाइम कोई पड़ा हुआ था, कोई उस टाइम नहीं था, हैंड भी नहीं चल रहा था। फिर हम लोग दूसरा जगह केबिन में ला करके उसको फिर लेटा आया। फिर उसके बाद मेरी स्टाफ को नहीं था। क्या व्यवस्था तो देखिए नहीं है कुछ, यहाँ देखने अपने वाला कोई है ही नहीं है। देखिए पूरा बिहार यूपी का भी लड़का, बिहार का भी लड़का, मतलब व्यवस्था लचर। ऑक्सीजन उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा, फिर जाके बोले जब ऑक्सीजन ला कर दिया गया, नर्स को बोले उधर बेड से नीचे गिर गया था लेकर, पता है ट्रीटमेंट सही से नहीं होता, ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा। बस यही कहते हैं, आप यही कहते हैं जिला प्रशासन से कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट में ध्यान दीजिए। आप कहाँ से? हम दिल्ली से ही है। अपने वार्डों का निरीक्षण किया, क्या देखे और क्या? ये जैसे ये है ना, लगातार जो सिपाही बहाली हो रही है उसमें से लगातार बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनको अचानक जो लाया जा रहा है ना, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन सारी व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। सब बेड लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर बेड की व्यवस्था की गई है और ऊपर ले जाने में कठिनाई है, इसलिए नीचे ही हम लोग बरामदे में बेड लगवा कर और सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अतिरिक्त स्टाफ भी हम लोग दे रहे हैं, गेट पर भी हम लोग अतिरिक्त स्टाफ दिए हैं जो उन लोग को ले जाने में मदद करे। सर अभी देखा गया हम लोग को कि ट्रीटमेंट आपके आने के बाद तत्परता से फिर किया जाएगा। सर इसके पहले अच्छा, कोई भी शुरू ही ना
जमुआ मुख्यालय समेत प्रखंड के सभी प्रज्ञा केंद्र में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए शुक्रवार को ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। महिलाओं की उत्सुकता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 50% महिलाओं के खाते में राशि पहुँच गई है। बताते चले कि महिलाओं को पूछने पर पता चलता है कि मैया सम्मान योजना में काफी संख्या में महिलाओं को राशि मिलने की वजह से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लोगों की रुचि बढ़ी है। मौके पर भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला अध्यक्ष को मोहम्मद आलम अंसारी ने कहा कि जिस उत्साह से किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा करा रहे हैं, किसानों को उचित बीमा राशि मिलनी चाहिए और सरकार से हम मांग करते हैं कि 2019-20 का फसल बीमा की बकाया राशि भी मिलनी चाहिए। राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवानंद हाजरा ने शुक्रवार को जमुआ मुख्यालय समेत अन्य कई गांवों का दौरा किया। इस क्रम में बेरहाबाद, घोरंजो, बड़ाडी, कारोडी, नवाडी, बाटी, जमुआ समेत कई गांवों में घूमकर लोगों से मुलाकात की। वहीं बिजोटी में महादेव हाजरा के 12वीं श्राद्ध क्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान श्री हाजरा ने बड़ाडी में उपस्थित लोगों से बात करते हुए कहा कि जनता का सेवक बनकर क्षेत्र में काम करूंगा और सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी वर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। श्री हाजरा ने कहा कि जमुआ विधानसभा में भाजपा एक लंबे समय से शासन कर रहा है। भाजपा के वर्तमान विधायक से जनता इस बार नाराज है। जनता बदलाव चाहती है। इस बार एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल को वोट देकर जिताने का मन बना लिया है। मौके पर शहादत अंसारी, करामत मियाँ, आकूब अंसारी, आशिन मियाँ, हफजाल अंसारी, अनवर अंसारी, जिब्राइल अंसारी, राजकुमार चौधरी, रेशमन यादव, सलामत अंसारी, इम्तियाज अंसारी, विकास हाजरा, राजेश हाजरा, चमन हाजरा, टुपलाल तुरी, सुनील यादव, जनार्दन वर्मा, जाकिर हुसैन, जमाल अंसारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST/SC/OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लायंस जागृति ने बांटी बुजुर्गों संग खुशियां। गिरिडीह लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति ने स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों संग शाम में कुछ समय बिताया। अपने हाथों से खीर एवं नूडल्स बनाकर उन्हें खिलाया तथा नमकीन, मूढ़ी, साबुन, शैम्पू इत्यादि रोजमर्रा की जरूरतों की सामान
उन्हें भेंट किया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष मीना गुप्ता, सचिव रागिनी प्रकाश, अनीता गुप्ता, शालिनी वैशखियार, विनी साव, मनीषा कापिसवे, रीना सिंह, अरुणा, सीमा, सुषमा, मुक्ता आदि उपस्थित रहीं। न्यू बरगंडा रोड स्थित आरके महिला कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा की तिथि निर्धारित रहने के बावजूद परीक्षा नहीं लिए जाने पर परीक्षार्थियों ने शुक्रवार को हंगामा किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रबंध पर आक्रोश जताया। इस दौरान बताया गया कि बीए सेमेस्टर 3 की साइकोलॉजी विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा 30 अगस्त को तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि पर गिरिडीह कॉलेज समेत जिला के कई कॉलेज के विद्यार्थी यहां पर परीक्षा देने पहुंच गए, लेकिन कॉलेज प्रबंधक की ओर से बताया गया कि यहां साइकोलॉजी के प्रोफेसर नहीं हैं, इस वजह से आज परीक्षा नहीं लिया जा सकता, कल की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद दूर दराज से आए विद्यार्थी नाराज़ हो गए और कॉलेज के गेट के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया गया कि जब परीक्षा लेनी ही नहीं थी तो पूर्व में मैं कॉलेज प्रशासन की ओर से सूचना देनी चाहिए थी ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। इधर कुछ परीक्षार्थियों का कहना है कि कल उनका रांची में उत्पाद सिपाही बहाली का दौड़ है, ऐसे में परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्राचार्य मधुश्री सेन न्यायाल ने बताया कि कॉलेज में वर्ष 2023 नवंबर में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से आज तक कॉलेज में साइकोलॉजी के टीचर नहीं हैं। कई बार विश्वविद्यालय को लिखकर इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी पहल नहीं हुई है, जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस मामले को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार से छात्र छात्राओं को परेशान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूनम है, हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। यहाँ पे बोला गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग को बताया गया ही नहीं है कि टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे आए हैं सेंटर में, तब सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। हम लोग तब से सारे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीडी कॉलेज के सर से, प्रिंसिपल से, सबसे बात कर चुके हैं, बट कोई भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है और ना ही कोई कुछ कर रहा है। नोटिस आया था, नोटिस आया हुआ है सेंटर से, नोटिस आया हुआ है सब में, ग्रीडी कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप में आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कि 30 को आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आए तो यहाँ पे टीचर भी अवेलेबल नहीं है, सर बोल रहे हैं। क्या समस्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे हमारा एग्जाम देने का है, साइकोलॉजी का है, प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ पे आए 10 बजे, अब बोल रहा है 11 बजे तक बिठाए, बोल रहे 11 बजे बाद एग्जाम होगा, अभी बोल रहा है टीचर नहीं आए हैं, बोल रहा है कल एग्जाम होगा। हम लोग का कल रांची निकलना है, परसों लोग उपवास भाई का दौड़ है, और जो कल एग्जाम देंगे फिर दौड़ने कब जाएंगे बताइए। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ टुंडी से आए हैं। टुंडी से आए हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? ग्रीडी कॉलेज में पढ़ते हैं। ग्रीडी कॉलेज में पढ़ते हैं। आप लोग कितने स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे 30 स्टूडेंट आए हैं, 30 तो 30 स्टूडेंट जी। तो क्या मांग करते हैं आप कॉलेज प्रशासन से? क्या मांग करते हैं कॉलेज प्रशासन से? मांग करते हैं कोई टीचर नहीं है इसमें, टीचर रहना चाहिए, एग्जाम रहना चाहिए। हम लोग आज का डेट, समस्या ये है कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आज होने वाला था, मगर हम लोग विश्वविद्यालय से बात किए, वहाँ के एग्जाम कंट्रोलर ने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल आज वो नहीं भेज पा रहे हैं, इसलिए आज एग्जाम यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में साइकोलॉजी के कोई भी व्याख्याता नहीं है, कोई भी प्रोफेसर नहीं है। मैंने लिख के दी थी वहाँ पे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सेंटर नहीं दिया जाए, फिर भी उन लोग यहाँ पे दिए, तो हम तो स्टूडेंट को कहीं बैठा के इसका एग्जाम लेना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं आए। तो इसलिए जब वहाँ हम लोगों ने बात किया तो उन लोग का कहना है कल भेजेंगे, कल होगा एग्जाम। मैडम, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो ग्रीडी कॉलेज के ग्रुप है, चाहे जो भी कॉलेज से आए हैं, उनके ग्रुप में आई हुई थी नोटिस की आज एग्जाम है यहाँ पर, तो एग्जाम तभी ले पाएंगे जब कोई टीचर रहेंगे तब ना, साइकोलॉजी कोई टीचर ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, उन लोग जब भी एक्सटर्नल या इंटरनल भेजेंगे हमारे यहाँ तभी हम ले सकते हैं। ये बात तो भी मैंने बोला कि वहाँ पे उन लोग कल भेजेंगे, तो इसलिए आज हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाना। प्रोफेसर नहीं रहने के का आपने लिखित शिकायत कर दिया है? बहुत बार वहाँ। कब से टीचर नहीं है मैम यहाँ? 23 के नवंबर में रिटायर की हैं जी हमारी जो प्रोफेसर थी, और पहले दो थे, तो एक तो बहुत पहले रिटायर कर चुकी हैं, और जो बाद में एक ही थी वो भी रिटायर की हैं 23 में, और उसके बाद से अभी उसके बाद से बहुत सब्जेक्ट में प्रोफेसर नहीं है। अच्छा,
गांडे पुलिस ने मरगोडी गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गेंदू मंडल के खिलाफ गांडे थाना में मारपीट के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। बीते वर्ष 2023 के मार्च महीने में गेंदू मंडल ने अपने ही गाँव के पड़ोसी के साथ मारपीट किया था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बस स्टैंड में शुक्रवार को बाबा सम्राट बस में चोरी का पर्स और मोबाइल रखने के आरोप में एक आरोपी को बस कर्मियों ने पकड़ा। इस दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद आरोपी को मुफसिल पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी का नाम विकास कुमार है और यह बेंगाबाद का रहने वाला है। बताया गया कि विजय बस का खलासी है। असल में कुछ दिन पहले बाबा सम्राट बस से बंगाल में अवैध हथियार बरामद हुआ था। उसी वक्त बस के ओनर राजू खान ने षड्यंत्र के तहत बस में हथियार रखने की आशंका जाहिर की थी। इस बाबत बस के ओनर राजू खान ने आशंका जाहिर की कि जिस तरह मोबाइल और पर्स रखा गया है, इसी तरह षड्यंत्र के तहत हथियार को भी इसके बस में रखा गया था। इन्होंने बताया कि मोबाइल और पर्स रखने का CCTV फुटेज भी उनके पास है। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिसिया जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसने बस में चोरी का मोबाइल और पर्स क्यों रखा था। बताया जा रहा है कि विजय बस में मोबाइल और पर्स किसी महिला का छूट गया था, जिसे आरोपी ने इस बस में लाकर रख दिया। रांची साइड से कहीं विजय बस से आ रही थी, उसको एग्जाम देना था पुलिस लाइन में। उसके साथ दो तीन बंदे और थे, कोई साथ में होंगे। उसको पुलिस लाइन उतर गई और उसका बैग दूसरे गाड़ी में छूट गया, जिसमें उसका डॉक्यूमेंट था, उसका सब चीज जो एग्जाम से रिलेटेड था। अब वहाँ उतर गई गाड़ी, वहाँ से निकल गया, तो उसको होश हुआ कि मेरा बैग छूट गया गाड़ी में। वो भागी भागी फिर बस स्टैंड में आई, विजय बस में गई, उधर ड्राइवर खलासी कंडक्टर से मिली, बोला रे अभी बैग तो तुम्हारे गाड़ी में मेरा छूटा था। तो उन लोग सब खोजा देखा, वो लोग बोला नहीं, हम लोग के गाड़ी में नहीं है।
बहुत रोने लगी। यहाँ लोग संपत्ति दिया गया एग्जाम का डॉक्यूमेंट था, उसके बाद चली गई मुफस्सिल थाना, वो गाड़ी के नाम में एक अप्लीकेशन थी जो गाड़ी से आई थी। उसके बाद पुलिस पहल किया इन लोग को, तो ये लोग तीनों ड्राइवर खलासी को लेके गया, लोग जाकर मुफस्सिल थाना में जाकर बयान दिया कि नहीं हम लोग नहीं जानते, हम लोग गाड़ी में सामान भी नहीं है इसका, हम जानते भी नहीं। तो पुलिस तफ्तीश में इसको छोड़ दी थी, ठीक है चलो भाई। उसके बाद 4:30 बजे 4:45 बजे हमको खबर आया कि हमारे बस में एक मोबाइल 1 नंबर 2 नंबर सीट में गिर रखा हुआ है, जो मुफस्सिल थाना में एक केस हुआ है उससे रिलेटेड है। हम तुरंत आए, हमके हमारे बस में रखा हुआ है, गिरा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे बस में गया हुआ, हमारे कैमरा में सब अटैच होगा। तो जब आए हम वहाँ तुरंत कैमरा को चेक किए, तो कैमरा में देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर सीट में एक आदमी दाहिना साइड से आ रहा है और वो रखते हुए हमारे कैमरा में आ गया। अब उस आदमी का लोकेशन लिए जो है, तो उसके साथ एक मिस्त्री है यहाँ, टोपी मिस्त्री, वो घूम रहा था, तो उसको रात में बुलवाए पकड़वाए जो है सो, तो आया तो चीन के बताया कि विकास है मेरे साथ था, खलासी है विजय बस का। तब उसको हम कहे कि तुम्हारे साथ था, तुम उसको लेके आओ, खोज के लेके आओ, ये साला मेरे यहाँ बैग रख दिया, इतना गाड़ी रखा हुआ है कहीं नहीं फेंका, मेरे यहाँ आके उतना पीछे से फेंका है कोई ना कोई साजिश से। हमको इस बात का शंका है कि हमारे बस में जो घटना घटा है, जो चार को आर्म से पकड़ाया है, जो रिजेक्ट आर्म था, यही लड़का से कोई आदमी प्लांट करके रखवाया है और जाकर पुलिस को खबर कर रेड करवाया और उसी सीट पर पकड़ाया आर्म से, उसी सीट पर ये उसका मोबाइल भी फेंका ही। और जब खोजवाए पकड़वाए तो सवेरे में तो उस बैग स्वीकार भी किया और बैग भी ला के वो निकाल के लुका के रखा था महिला का, दिया भी और कहा कि हाँ हम यहाँ रखे आपके गाड़ी में। कहाँ का रहने वाला है ये? बेंगाबाद साइड का, विकास नाम है इसका, बेंगाबाद साइड का है ये। स्टेन में कभी कभी आता है, कोई कोई गाड़ी में खलासी का काम करता है, लेकिन वही है चोर चुहाल टाइप का है। क्या स्वीकार किया वो जो पकड़ाया? वो पकड़ाया तो कह रहा है कि हमसे गलती हुआ, हम मोबाइल आपके गाड़ी में फेंके हैं, लेकिन बात वो नहीं है, बात है सच्चाई वो छुपा रहा है। जो महिला का पर्स जो चोरी हुआ वो कहाँ से चढ़ी थी? वो चढ़ी थी रामगढ़ से। अच्छा, हुआ घटना कहाँ? और घटना हुआ यहाँ बस स्टैंड में, चोरी हुआ उसका बस स्टैंड में, और चोरी करके ले आके फेंक दिया मेरे बस में, इन नियत से कि राजू खान के नाम आएगा, उस बदनामी होगा, उसके साजिश के साथ पता नहीं, ताकि वो महिला का जहन मेरे तरफ कन्वर्ट हो जाए। घटना गिरिडीह बस स्टैंड में हुआ? ये गिरिडीह बस स्टैंड हुआ, और फुटेज में जब पकड़ा गया उसका चेहरा मेरे बस में सामान रखते हुए, तब जाके उजागर हुआ, सुबह उसको पकड़वा के लाया है यहीं का स्टैंड वाला लोग, तो वो स्वीकार भी किया है कि हम फेंके हैं। हमको पूरा शंका है, हम एक अप्लीकेशन में भी देने जा रहे हैं मुफस्सिल थाना में, कि हमको लगता है कि यही आदमी से कोई आदमी प्लांट करके रखवाया, अगर पुलिस गहन से छानबीन करे तो वो भी आर्म्स का भी सच्चाई सामने आ जाए। अभी कहाँ है वो? अभी वो मुफस्सिल वाले लोग सब अफसर आए थे, उसको अभी 15 मिनट पहले वो अपने जीप पर बैठा के ले गए मुफस्सिल थाना। गांव के कुर्ची से हरनी जाने वाले मुख्य सड़क पर शुक्रवार को 2 बाइकों की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घटना के बाद आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को गांव CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टर महेश्वरम और डॉक्टर नौसाद ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार हरनी निवासी फारूक हुसैन बाइक पर अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था, इसी दौरान कुर्ची हरनी मुख्य सड़क पर तीखा मोड़ में विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। घटना में फारूक हुसैन समेत दूसरी बाइक पर सवार शिबा रविदास, डुमरी देवी और प्यारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला खेल कार्यालय के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार के इंडोर स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां बैडमिंटन और फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 14 और अंडर 17 आयु के बालक वर्ग का मैच हुआ। अंडर 14 में आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के टीम ने संत जोसेफ स्कूल को 6-0 पर पराजित कर विजय घोषित हुए। अंडर 17 में होली क्रॉस स्कूल ने कार्मेल को 4-0 पर पराजित कर विजय घोषित हुए। इसके अलावा बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 80 बालक बालिका खिलाड़ी अलग अलग वर्गों में भाग लिया। इस टूर्नामेंट को 3 वर्गों में कराया गया। इस टूर्नामेंट को अंडर 11 बालक वर्ग में विजेता समर्थ गुप्ता, उपविजेता अर्णव मोदी और थर्ड वैभव कृष्ण रहे। अंडर 11 बालिका वर्ग में विजेता काशिफ कृष्ण और उपविजेता अनन्या अग्रवाल और थर्ड प्लेस पर साक्षी पांडे को मिला, तथा अंडर 15 बालिका वर्ग में विजेता सृष्टि प्रसाद, उपविजेता प्रगति प्रणव बनी और थर्ड प्लेस अदिति सिंह बनी। इसके साथ अंडर 15 बालक वर्ग में विजेता अंकित कुमार मंडल, उपविजेता आदर्श कुमार यादव बने और थर्ड प्लेस विपुल कुमार मंडल बने। अंडर 17 बालक वर्ग में विजेता आदर्श पांडे, उपविजेता विशांक आर्य बने। सभी विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को जिला पदाधिकारी अर्जुन बड़ला एवं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नगेंद्र कुमार के हाथों ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।
प्रतियोगिता को सफल बनाने में सभी कोच, निर्णायक, कार्यालय कर्मी आदि का अहम योगदान रहा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटीशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, ओची प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571, 06532356150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ, वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीन वार्षिक महोरी महिला वैसी समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में समिति का चुनाव करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुमन भदानी जबकि सचिव पद पर मुक्ता देवी निर्विरोध चुनाव जीत गई। इसके अलावा समिति के अन्य पदों पर भी चुनाव कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला समिति की अध्यक्ष पूनम प्रकाश मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संगठन विस्तार किया जा रहा है, आने वाला समय में इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। जी मैडम बोलिए। आज गिरिडीह मंडल की महिला समिति का गठन किया गया। महिला समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके पूर्व में 2021 के फरवरी में चुनाव किया गया था और ये कार्यकाल अब पूर्ण हुआ और फिर से आज चुनाव की प्रक्रिया की गई, जिसमें कि हमारी केंद्रीय पदाधिकारी बहने, उपाध्यक्ष, सचिव, धर्म संचार मंत्री, संयुक्त सचिव, सभी बहनों के सम्मिलित सहयोग और प्रयास से आज की ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की गई और जितने भी महिला समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, हमारी केंद्रीय महिला समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आने वाला कार्यकाल में वो उनका कार्यकाल अच्छा रहे, वो बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम बहुत ही उल्लासपूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से कार्यक्रम सफल बनाए, यही हमारी माता कुल देवी की तरफ से प्रार्थना है और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मेरा नाम सुमन भदाली है और मैं अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त की गई। मेरे सारे टीम है, लोग आगे जो भी प्रोग्राम होगा अच्छा से करेंगे, मन लगा के करेंगे कि लोग आने वाले समय में बोलेंगे कि यही टीम लाना है और सुमन भदाली की सारे टीम को लाना। चुनाव आज कुलदेवी मोहम्मद त्रासदी मंदिर के प्रांगण में गिरिडीह मंडल की नई महिला समिति का गठन हुआ, जिसमें सुमन भदाली अध्यक्ष और मैं मुक्ता कुमारी सचिव के पद पर चयनित हुए हैं और इसके साथ ही हमारी और टीम भी है। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो बढ़ चढ़ के हो और सभी यहाँ की महिलाएं उसमें एंजॉय करें, सब घर से बाहर निकलें और सब एक दूसरे के साथ मिले एंजॉय करें। माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। यहां सचिव स्कूली शिक्षक एवं साक्षरता विभाग को उपायुक्त के बाध्य से ज्ञापन प्रेषित किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रमणि प्रसाद और जिला सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह ज्ञापन दिया गया। संघ ने सरकारी माध्यमिक शिक्षकों की लंबित मांगों के त्वरित निराकरण के लिए संघ ने तत्काल इन मांगों को पूरा करने का मांग किया है, अन्यथा संघ जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बताया गया कि सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के पद पर प्रोन्नत प्रधानाध्यापक के लिए निर्गत सेवा शर्त में संशोधन 355 को निरस्तर करते हुए वरीयता सह मेघ कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत एवं न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षक अनुभव हो एवं सामान्य सिलेबस के आधार पर सीधी भर्ती की मांग की। वहीं सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान की प्रोन्नति के लिए निर्गत आदेश 1726 को निरस्तर करके सभी कोटि के माध्यमिक शिक्षकों को MACP की स्वीकृति की मांग हुई। ज्ञापन कार्यक्रम में सत्यनारायण प्रसाद, विनय कुमार यादव, निवास कुमार, केसरी नंदन, समा प्रवीण, गुलाम मुर्तजा, रणधीर राय, अजय कुमार चौधरी, पंकज कुमार सहित अन्य शिक्षक शामिल थे। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सचिव शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के नाम जिला उपायुक्त के द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए आए। इसमें मुख्य मांग हम लोगों का रहा है सरकारी माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, सभी शिक्षकों को MACP का लाभ, संगीत शिक्षकों को भी 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक शिक्षकों को भी समान वेतन मिलना चाहिए। यही हमारा मुख्य बिंदु है आज का। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन, गांधी गली और टीकोडी में जनसंपर्क किया, जिसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पुलिस लाइन, गांधी गली और टीकोडी में 3 निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन भी किया गया। बताया गया कि जागरूक जनता पार्टी राधा स्वामी संगठन की राजनीतिक इकाई है। इस दौरान प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूं। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों की शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है, साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं का रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानियां कम की जा सकती हैं। इस मौके पर संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे, नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ संगठन के प्रतिनिधि बेबी देवी, सरिता शर्मा, राधा देवी, मालती देवी के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनीसा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी हूँ और आज हम लोग यहाँ दोबारा आए हैं बरवाडी पुलिस लाइन में। इसके पहले जो है हम लोगों ने यहाँ सभा करके गया था और यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए जो है बताया गया था, जो कि आज यहाँ फिर से हम उपस्थित हैं। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी और हमारे टीचर जो है यहाँ पढ़ाएंगे, उनको मानदेय भी मिलेगा मंथली, और जो यहाँ बच्चे हैं पढ़ेंगे उनको हमारे तरफ से बैठने के लिए व्यवस्था और एक रजिस्टर और पेन की जो है व्यवस्था संगठन के माध्यम से दिया जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पे टीचर भी हैं। थोड़ा सा इधर आइए, आपका नाम क्या? आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।